फाइनली सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इंडिया में 100 करोड़ क्रॉस कर दी। ये 16वीं फिल्म है सलमान खान की जिसने 100 करोड़ क्रॉस किया है। ये बोलते हैं भाई का स्टारडम, भाई का पावर। जो लोग बोलते थे ये फिल्म 30-35 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, उनके मुंह पे एक तमाचा है। सलमान खान के स्टारडम को कभी हल्के में मत लेना, ठीक है? जो लोग हल्के में लेते हैं, जो उनकी मजाक बना रहे ना, तो वो सपने में नहीं सो सकते सलमान खान का स्टारडम वहां तक है, ठीक है? बहरहाल एज ए फैन सलमान खान के, हम खुद सलमान खान से नाराज हैं, ठीक है? क्योंकि सलमान खान को एसकेएफ की फिल्म छोड़नी पड़ेगी 100%। अगर उनको आने वाले कल में अपना कैरियर जबरदस्त चाहिए तो उनको एसकेएफ की फिल्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब जब वो एसकेएफ के साथ आते हैं तो उनकी फिल्म ऐसी ही निकलती है जिससे उनके फैन नाराज हो जाते हैं। देखो सलमान खान को बहुत प्राउड फील होता है, किस पे? अपने फैंस पर। इस बात को लेकर प्राउड फील होता है कि हमारी कैसी फिल्म होगी, हमारे फैंस जो है 100-200 करोड़ तो पहुंचा ही देंगे, ठीक है? उनको कॉन्फिडेंस है फैंस पर। मैं कहता हूं सलमान भाई से कि जैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने फैंस के ऊपर है, तो कम से कम आप भी कुछ ऐसा मौका दो कि फैंस को भी फुल कॉन्फिडेंस हो कि सलमान की फिल्म आएगी, कमाल की आएगी यार। आपके फैंस जो है ऐसी फिल्म आप कर देते हो ना जिसे उनको कई लोगों को सुनने को मिलता है यार, तो प्लीज ऐसी फिल्म मत चूज करो जिसे फैंस का सर झुके यार। आपके फैंस तो आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको कोई फिल्म कैसी भी हो, ट्यूबलाइट इसी फिल्म को 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर दिया, आप सोचो ये फैंस की मोहब्बत आपकी है। इसलिए प्लीज आप एसकेएफ फिल्म से बहुत दूर रहो। और जो फिल्में आपको मिल रही हैं बेहतरीन डायरेक्टर की, पुष्पा के प्रोडक्शन में आपको मिल रही थी फिल्म, वो नहीं कर रहे हो आप। धर्मा प्रोडक्शन के लिए सोच रहे हो आप, अनीस बाजमी नो एंट्री लेके बैठे हैं उसके लिए आप हाँ नहीं बोल रहे हो यार, क्या है? किक टू है रेडी हुई, रखी हुई है, किक टू के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। मतलब हर ए मुर्गदास जो गजनी 2 बनाए थे, उन्होंने कई साल पहले आपसे, जब गजनी 2 बनाए थे तब आपसे बोला था फिल्म करने, अभी तक आप उनके लिए हाँ नहीं बोले हो। मतलब कितने डायरेक्टर, इंशाल्लाह आपको मिली संजय लीला भंसाली कितनी जबरदस्त डायरेक्टर के साथ, वो फिल्म आपने छोड़ दी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कीजिए और अच्छी फिल्में साइन कीजिए, ताकि आपके फैंस को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, प्राउड से बोल सके यार सलमान भाई की फिल्म आ रही है तो खतरनाक होगी, लिख के ले लो, ऐसा बोले वो, तो ऐसी फिल्म मिले उनको। जैसे कि आपने बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, ऐसी ऐसी फिल्में आपने दी हैं, उस तरीके से परफॉर्मेंस चाहिए लोगों को यार। ये मजा नहीं आती, मतलब वो तो मोहब्बत आपकी है कि फैंस के ऊपर की आपके लिए इतना मेहरबान रहते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जो आपका है वो फैंस को भी दीजिए कॉन्फिडेंस। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एस्केप फिल्म में काम करना बंद कर दीजिए 100%, वरना आने वाला कैरियर आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा भाई साहब, हम लोग को बहुत तकलीफ होगी। बहरहाल कितने फैंस तो इससे मेरे इस वीडियो से नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन जो बात है फैक्ट है यार, तो आपको ये एटीट्यूड सल्लू भाई आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे आप शुरू में करते थे। और एसकेएफ में फिल्म छोटे बनाते रहिए, जो छोटे एक्टर्स नए एक्टर्स आ रहे हैं उनको चांस दीजिए, उसमें वो फिल्म बनवाइए, बट आप मत काम कीजिए प्लीज। और डायरेक्टर तो चूज कीजिए, वो अच्छा डायरेक्टर चूज कीजिए, बेहतरीन, तब उसको पता हो, डायरेक्टर का डी पता हो, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कीजिए प्लीज। एक ही लोग को आप अगर पकड़ लेते हो तो छोड़ते नहीं 3 फिल्म के लिए यार, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। एक फिल्म के लिए अगर आप किसी को पकड़ लेते हो, उसको 3 फिल्म उसके साथ करी डालते हो जब तक वो फ्लॉप ना हो जाए। बहरहाल दोस्तों आप वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू अगेन।